हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का यूट्यूब सहेली चैनल में। फ्रेंड्स, आज मैं बात करने वाली हूँ कि पीरियड्स से जस्ट पहले या फिर पीरियड्स की डेट मिस हो जाने पे अगर आपको पेट में बहुत ज़्यादा गैस बन रही है तो हमें इसे क्या समझना चाहिए। क्या ये प्रेगनेंसी का सिम्टम है या फिर पीरियड आने का संकेत है? तो आइए आज के विषय को हम विस्तार से समझते हैं कि हमें अगर पीरियड डेट से पहले बहुत ब्लोटिंग होती है, बहुत गैस बनता है, पेट फूला फूला रहता है, या फिर अगर डेट मिस हो गई है उसके बाद भी पीरियड नहीं आ रहा है और पेट में काफ़ी गैस बन रही है, तो ये एक उलझन का विषय है क्योंकि हम समझ नहीं पाते कि क्या हम प्रेग्नेंट हैं या फिर नहीं। क्योंकि जनरली डेट मिस होने के 7 से 10 दिन बाद ही यूरिन प्रेगनेंसी टेस्ट यानी कि UPT किया जाता है। तो उससे पहले अगर हमें जानना है तो हम इसे क्या समझेंगे, और अगर इतनी ज़्यादा गैस बन रही है तो उसका समाधान कैसे करें, कौन सी चीज़ इस समय हमें आराम दे सकती है। क्योंकि अगर हम प्रेग्नेंट हैं तो इस समय कोई भी गर्म चीज़ लेना या कोई भी चीज़ हमारे लिए ऑप्ट करना आसान नहीं होता, क्योंकि अनजाने में ही वो प्रेगनेंसी के लिए खतरा हो सकता है। तो हम लास्ट में जानेंगे कि कौन सी होम रेमेडी इस समय अगर आप प्रेग्नेंट भी हैं तो भी आपको फॉलो करनी चाहिए। तो सबसे पहले हम ये जानते हैं कि पीरियड आने से पहले और ओव्यूलेशन होने के बाद का जो फेज होता है हमारे मासिक चक्र का, उसको ल्यूटियल फेज बोलते हैं, और यह समय होता है इम्प्लांटेशन का, यानी कि बच्चेदानी की दीवार से गर्भ के चिपकने का, रोपित होने का, इम्प्लांट होने का। तो अगर आप गर्भ धारण कर चुकी हैं तो आपको प्रेगनेंसी हॉर्मोन्स बनने लग जाएंगे, क्योंकि जैसे ही प्लेसेंटा बनती है प्लेसेंटा से प्रेगनेंसी हॉर्मोन्स रिलीज होते हैं और वो हमारे डाइजेस्टिव ट्रैक्ट को यानी कि हमारे पाचन तंत्र को प्रभावित करते हैं, पाचन की जो प्रक्रिया है उसको धीमा कर देते हैं, जिसकी वजह से हमें पेट में काफ़ी असहज महसूस होता है, गैस बनती है, भारीपन रहता है, जल्दी से भूख नहीं लगती। लेकिन कई बार ऐसा होता है कि महिलाएं प्रेग्नेंट नहीं होती हैं फिर भी उन्हें गैस बनती है, ऐसा पॉसिबल है। ऐसा नहीं है कि हर बार आपको प्रेगनेंसी होने पे ही पेट में गैस बनेगी और डाइजेशन स्लो होगा, क्योंकि ये लक्षण हार्मोन से रिलेटेड है, और प्रोजेस्टेरोन हार्मोन बनने की वजह से बिफोर पीरियड आपको अगर हार्मोनल इम्बैलेंस है या प्री मेंस्ट्रुअल सिंड्रोम की प्रॉब्लम है तो आपके पेट में ज़्यादा मात्रा में गैस बनना, ब्लोटिंग होना, असहज महसूस होना स्वाभाविक है। तो फ्रेंड्स, अगर ये प्रेगनेंसी है तब तो हम इसको पॉजिटिव कंसीडर करेंगे, पॉजिटिव मानेंगे, क्योंकि प्रेगनेंसी का लक्षण है। लेकिन अगर आपको प्रेगनेंसी नहीं है और पेट में गैस बन रहा है तो हमको इसका उपचार करना होगा, क्योंकि ये प्री मेंस्ट्रुअल सिंड्रोम का लक्षण है, और प्री मेंस्ट्रुअल सिंड्रोम के लक्षण होना संकेत करता है कि आपके हार्मोन्स ठीक से नहीं हैं। तो हमें अपने हार्मोन्स को कैसे ठीक रखना है, इसके लिए काफ़ी योगासन, व्यायाम, डाइट से रिलेटेड सलाहें, होम रेमेडीज आपके लिए बताई है। आप उन सभी वीडियोस को चैनल के प्लेलिस्ट में जाके जरूर देखें, क्योंकि वो एजुकेशनल है और बहुत सारी महिलाओं को उससे काफ़ी लाभ मिला है, और आप भी उसका लाभ जरूर उठाएं। और अब हम जानते हैं कि अगर पेट में गैस बन रही है उस वक्त हमें क्या करना है, अगर हम प्रेग्नेंट हैं तो भी, और अगर हम नहीं प्रेग्नेंट हैं तो भी, कौन सी ऐसी चीज़ है जो इन दोनों ही कंडीशंस में हमें रिलीफ दे सकती है बिना किसी साइड इफेक्ट के। तो फ्रेंड्स, एक स्पेशल होम रेमेडी है अजवाइन। फ्रेंड्स, अजवाइन में पाया जाता है थायमोल नाम का तत्व, और थायमोल जो है हमारे पाचन तंत्र के जो भी रस बनते हैं, जो डाइजेस्टिव एंजाइम्स बनते हैं, उनको बनाने में मदद करता है, स्टिमुलेट करता है। तो जो डाइजेशन का प्रोसेस, पाचन की प्रक्रिया धीमी हो गई है उसको ठीक करने में बहुत मदद करता है। लेकिन हमको अजवाइन लेना कैसे है? अजवाइन को हमको किसी गर्म तरीके से नहीं लेना है, क्योंकि हमको गैस को दूर करना है। तो आप एक चम्मच या आधा चम्मच अजवाइन, फ्रेंड्स, जब भी हम कोई नई रेमेडी स्टार्ट करते हैं तो हमें उसकी मात्रा कम रखनी चाहिए। धीरे धीरे अगर हमें सूट करती है तो हम बढ़ा सकते हैं एक पर्याप्त मात्रा तक। तो सबसे पहले हम आधा चम्मच अजवाइन रात को एक गिलास पानी में भिगो देंगे, और सुबह, अभी अगर ठंड का मौसम है तो आप उसको हल्का गुनगुना कर सकते हैं, और सुबह रात को ग्लास में भिगोई हुई अजवाइन को आप छान लें। केवल उसका पानी हमको यूज़ करना है। उस अजवाइन को आप जो घर में अगर प्लांट्स लगाएं तो उस गमले में उस अजवाइन को डाल सकते हैं, जो बची हुई अजवाइन है छानने के बाद, और वो जो पानी है वो आपको पीना है। लेकिन सर्दी के मौसम में वो पानी काफ़ी ठंडा हो जाता है तो हम उसे पी नहीं पाते हैं, तो हमें पीने लायक हल्का सा उसको गुनगुना करना है, ताकि वो जो बहुत ज़्यादा ठंडा है वो खत्म हो जाए और वो नॉर्मल टेम्परेचर पे आ जाए, सामान्य टेम्परेचर पे आ जाए। ध्यान रखिए, आपको उसको उबालना नहीं है, गर्म नहीं करना है काफ़ी ज़्यादा। तो अगर पीरियड से पहले या डेट मिस होने के बाद आपको गैस बन रही है तो रात को भिगोई हुई अजवाइन का पानी आप ज़रूर पिएं। इससे अगर आप प्रेग्नेंट हैं
तो भी आपको कोई तरह की परेशानी नहीं होगी। और अगर आप प्रेग्नेंट नहीं हैं तो आपको इस समस्या से तुरंत आराम मिल जाएगा। विद इन 1 आवर आपको आराम मिलेगा। और रात को जब आप याद करेंगे अपने पेट में हुए भारीपन को, तो आप महसूस करेंगे कि वो आपको दिन भर था ही नहीं। तो फ्रेंड्स, पेट में ज्यादा गैस बनना प्रेगनेंसी का एक सामान्य लक्षण है, प्राथमिक लक्षण है। लेकिन अगर आपको प्रेगनेंसी नहीं है तो आपको इसकी रेमेडी करनी है, PMS का पूरा सॉल्यूशन करना है। PMS पे मेरे वीडियोस हैं, उन वीडियोस की लिंक आप नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दे सकते हैं। तो इसी तरह बने रहिएगा मेरे साथ YouTube सहेली चैनल पे। चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करना और बहुत सारे एजुकेशनल वीडियोस जो इस चैनल पे अवेलेबल है उनको देखना बिल्कुल भी ना भूलें। थैंक्स फॉर